हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर कैंप पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीमेंट के बारे में सीखेंगे। सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसका हम यूज मकान बनाने में, पुल बनाने में, ब्रिज बनाने में ये करते हैं। और यहां सीमेंट के बहुत से कैटेगरी मिलते हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो है पोर्ट लाइन सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट ये इंग्लैंड में मिलने वाले जो पत्थर होता है उसका नाम पोर्टलैंड है। तो सीमेंट की हार्डनेस यानी कि सीमेंट में जब आप वाटर मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो जो सीमेंट की हार्डनेस होगी वो इंग्लैंड में मिलने वाले पोर्टलैंड रॉक, एक पत्थर है बेटा, उस रॉक की हार्डनेस के क्या होगी, इक्वल होगी। इसीलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया। अगर हम इस सीमेंट के कंपोजिशन की बात करें तो सीमेंट का कोई एक फार्मूला नहीं होता। सीमेंट यहाँ कई फार्मूला का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अगर हम यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें बेटा तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा बेटा डाई कैल्शियम सिलिकेट। दिस इज कॉल्ड डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट ये सीमेंट के पार्टिकल की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पे बेटा मिलेगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दिस इज कॉल्ड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो Al2O3 फेराइट Fe2O3। दिस इज कॉल्ड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो एल्यूमिनो फेराइट फेराइट। तो सीमेंट इन्हीं चार फार्मूला या चार कंपोजिशन क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। तो ये जो सीमेंट है, इस सीमेंट का अगर हम सेटिंग प्रोसेस को अगर हम देखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा सेटिंग प्रोसेस क्या होता है, हार्डनिंग एंड सेटिंग प्रोसेस। तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है बेटा, यही हमारे सीमेंट के सेटिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये बहुत ईजी है। अगर इस सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके चलेंगे बेटा, है तो सीमेंट में बहुत लंबा लेक्चर होता है, लेकिन आपके जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आज बता दूंगा। अगर सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम लोग यहाँ पर एज अ रॉ मटेरियल अगर यूज करना चाहें तो रॉ मटेरियल में लाइम यूज करेंगे, लाइम स्टोन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। और बेटा यहाँ क्या यूज करेंगे, क्ले यूज करेंगे, चिकनी मिट्टी, जिसमें बहुत से कंपोजिशन मिल जाएंगे। उसमें उसी में मिल जाएगा Al2O3 मिल जाएगा, सिलिका भी मिल जाएंगे और मैग्नीशियम के ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगे बेटा, क्ले में मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ बाहर से कुछ सिलिका भी यूज कर लेंगे, सिलिका मतलब बालू, सैंड, ठीक है, SiO2, ठीक है। और लास्ट में जिप्सम यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O। दिस इज कॉल्ड जिप्सम। जिप्सम का यहाँ काम क्या होता है, जिप्सम का काम सीमेंट के सेटिंग प्रोसेस यानी सीमेंट के जो जमने का जो प्रोसेस होता है उसको स्लो करना। जब सीमेंट स्लोली सेट होगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर सीमेंट एकाएक सेट हो गया तो बाहर बाहर तो लगेगा कि हाँ मजबूती मिल गई, लेकिन अंदर से वो क्या होगा बेटा, कमज़ोर होगा। एक हथौड़ा मारेंगे वो भवड़ा के क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि जिप्सम का क्या रोल होगा सेटिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे इनको यूज करेंगे, और प्रोसेस क्या होता है, कैसे इनको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर बनाने के लिए एक रोटेटरी फर्नेस यूज करते हैं, इसे कहते हैं रोटेटरी किल्न। दिस इज कॉल्ड रोटेटरी, हॉरिजेंटली ये रोटेट करेगा, ठीक है, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल, ठीक है, रोटेटरी
किल्न, किल्न का मतलब होता है के आई एल एन का मतलब फर्नेस, ठीक है। और यहाँ पर ये मोटर लगे होते हैं जिसकी वजह से ये हॉरिजेंटली रोटेट करेगा। ये यहाँ सपोज दैट इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है इसके प्रोसेस को समझाने के लिए। और यहाँ बेटा एक चिमनी होती है जिससे जो वेस्ट गैसेस है वो बाहर निकलती है, यहाँ से जो वेस्ट गैसेस होगी बाहर निकलेगी। और इन सभी के मिक्सचर को इसमें मिलाने के लिए यहाँ पर एक हॉपर बना होता है। बहुत सिंपल फिगर बना रहा हूँ बेटा, बहुत सिंपल फिगर, इसी को आप यहाँ पर एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो ये जो सिलरी यहाँ पर है, सॉरी ये जो लाइम क्ले सिल्का, सिल्का का एक फिक्स अमाउंट वो लेंगे, इन तीनों को हम क्या करेंगे एक पेस्ट बनाएंगे वाटर में थोड़ा सा डिजॉल्व करके, एक आपका आपका कंसंट्रेटेड पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा गाढ़ा होगा वो, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड सिलरी। सिलरी सिलरी क्या होगा, मिक्सचर ऑफ वाटर, लाइम और क्ले, जो भी सीमेंट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सभी इसमें मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे। यहाँ से यहाँ पे आएगा आपका, इस रोटेटरी किल्न में आएगा जो रोटेट करता रहता है। और इसमें इसको हीट करने के लिए, इसे गर्म करने के लिए यहाँ पर हॉट एयर ब्लोअर होता है। ये ब्लोअर होते हैं बेटा जहाँ से गर्म एयर यानी हॉट एयर इसमें हम पास करते हैं। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 17 to 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 मैंने उल्टा लिख दिया। आप यहाँ पे बता सकते हैं इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा बेटा ये 1500 डिग्री सेल्सियस टू 1700 डिग्री सेल्सियस होता है, या और भी प्लस माइनस 100 या 200 वेरी कर सकता है। तो इतने टेम्परेचर पर जब इस स्लरी को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक कर जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या निकल जाएगा बेटा, CO2 गैस निकल जाएगी, ये आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड एक रेशियो में कैल्शियम ऑक्साइड टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 सिलिका के साथ मिलकर क्या बनाएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट, यहाँ पर यह फॉर्म कर जाएगा। ऐसे ही 3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये 2 है यहाँ पर। ऐसे ही बेटा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3 कैल्शियम ऑक्साइड Al2O3, ये बन जाएगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3 एंड 4 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस Al2O3 प्लस फेराइट Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। और ये सभी ऐड कर जाएंगे 4 कैल्शियम ऑक्साइड Al2O3 इंटू Fe2O3 Fe2O3। तो ये सभी के सभी यहाँ पर सीमेंट के कंपोजिशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे उनके इस रेशियो में। और ये सभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर एक आउटलेट बना होता है इस तरह से। और ये सभी के सभी एक बड़े बड़े पार्टिकल के फॉर्म में निकलते हैं, ये इस तरह से, थोड़ी इनकी जो साइज होती है बड़ी होती है। इसे कहते हैं क्लिंकर, क्या कहते हैं बेटा, क्लिंकर कहते हैं। यानी कि जो सीमेंट के पार्टिकल जो निकल रहे हैं इस फर्नेस से बाहर निकल रहे हैं वो थोड़े से बड़े बड़े पार्टिकल जैसे होंगे, ठीक है। तो वो उन्हें हम कहेंगे क्लिंकर कहेंगे। अब इसी क्लिंकर में आप 2 to 3% या कहेंगे 1 to 2% होता है, ठीक है, 1 जो होगा प्लस माइनस करेंगे, तो 2 to 3% मैंने यहाँ लिया है। तो जिप्सम यहाँ पर 2 to 3% जिप्सम इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, फाइन पाउडर फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्लिंकर और जिप्सम का जो मिक्सचर होगा एक महीन पाउडर जैसा हो जाएगा,
उनके पार्टिकल की साइज कोलाइडियल पार्टिकल की तरह होगा, यानी जो कोलाइडियल रेंज के पार्टिकल होते हैं उसकी तरह हो जाएगा, बिल्कुल फाइन पाउडर में। और फिर आपके किसी पॉली बैग में या किसी थैली में उसको भर के सप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से सीमेंट के बनने का एक बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम सीमेंट की क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है बेटा, पोर्टलैंड सीमेंट है, आज की डेट में इसी का ही चल रहा है। इसमें हम लोग स्लैग भी मिक्स करते हैं। स्लैग क्या होता है बेटा, ये जो NTPC में जो आपके जो कोयले की राख होती है वो निकलती है, और जो हमारे ज्वालामुखी से निकलने वाली जो राख होती है वो भी क्या कहलाता है, स्लैग ही कहलाते हैं। तो हम उनका भी यूज इस सीमेंट के बनाने में करते हैं। तो आप जैसा भी सीमेंट बनाएंगे तो इसी सब कंपोजिशन को हम क्या करेंगे, वैरी करके उस सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज है या उसकी जो क्वालिटी है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि पोर्टलैंड सीमेंट एक कोई फार्मूला नहीं है, एक मिक्सचर है, और इन्हीं सब कंपोजिशन का वो मिक्सचर होता है, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, टेट्राकैल्शियम ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्युमिनोफेराइट, और इस तरह से ये बनते हैं इसमें। और ये इसका एक मतलब इसके जो फर्नेस है उसका एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है। तो इस तरह से सीमेंट का ये प्रिपरेशन हो गया, बहुत आसान तरीके से आपने इसको समझा। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है ये हार्ड कैसे होता है, इसकी सेटिंग कैसे होती है, जमता कैसे है। आपने देखा है कि जब सीमेंट में जब पानी मिला देंगे तो एक पेस्ट बनता है, एक गाढ़ा पेस्ट बनता है, और वो पेस्ट कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ घंटे के लिए आप 12-13 घंटे या एक दिन दो दिन के लिए छोड़ देंगे तो एक हार्ड मटेरियल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो उसके पीछे कौन सा केमिकल प्रोसेस है, जो कि यही आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो उस केमिकल प्रोसेस को हम समझेंगे। वहीं पर हम समझेंगे कि ये जिप्सम का क्या रोल होता है, जो कि आपके दो दो नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम, तो आपको यहीं पर उसका आंसर मिलेगा। तो आइए सीखते हैं हार्डनिंग एंड सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सीमेंट की सेटिंग और हार्डनिंग के प्रोसेस को हम 3 कैटेगरी में स्टडी करेंगे। पहला तो ये कि सीमेंट में आप वाटर मिक्स करेंगे तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रेशन होता है, जिसमें जो सीमेंट के कंपोजिशन होते हैं वो वाटर के साथ ऐड होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस में क्या होते हैं कि ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट और टेट्राकैल्शियम एल्युमिनोफेराइट वो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं। हाइड्रोलाइज होकर बेटा वहां पर दो आपके हाइड्रोक्साइड बनते हैं, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और यही जो दो आपके हाइड्रोक्साइड हैं, यही जो आपके दो आपके कंपाउंड यहाँ फॉर्म होते हैं, यही सीमेंट के पार्टिकल और जो सैंड पार्टिकल होते हैं या ईंट है पत्थर है उनको जोड़ने का काम करता है। इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये सैंड पार्टिकल या जो सीमेंट के डाई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं उनके पार्टिकल को ये जोड़ने का काम करते हैं। जैसे फेविक्विक होता ना बेटा, फेविक्विक से क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे, इनके पार्टिकल को हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये सब पार्टिकल एक दूसरे में क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे, किसके थ्रू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। और जो बीच बीच में जो खाली जगह बच जाती है, इस खाली जगह को भरने के लिए क्या आता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इन सभी इंटरस्टीशियल स्पेसेस को क्या करता है, फिल कर देता है, और जिससे सीमेंट क्या होता है, इम्परवियस हो जाता है। इम्परवियस का मतलब होता है ये सीमेंट क्या होता है, अमेघ हो जाता है, मतलब कि इससे कोई आर पार नहीं हो जाता, यानी उसकी रेंडरिंग हो जाती है। तो हमको यही समझना है इन सब प्रोसेस को, इसी में हम लोग समझेंगे कि जिप्सम का क्या रोल होता है। तो आइए समझते हैं एक एक करके।
तो सबसे पहले सीमेंट में आपने क्या किया बेटा, वाटर मिक्स किया। तो वाटर मिक्स करने पर यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। पहला प्रोसेस हाइड्रेशन होता है, जिससे कि एक कोलाइडियल जेल का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया ना सीमेंट के पार्टिकल कैसे होते हैं, कोलाइडियल रेंज के पार्टिकल होते हैं। तो हाइड्रेशन में, अगर हम हाइड्रेशन प्रोसेस को देखें तो हाइड्रेशन में होता है क्या बेटा, कि यहाँ पर डाई कैल्शियम सिलिकेट ये X H2O के साथ हाइड्रेशन होगा इसका। और बस आप क्या करेंगे, जो प्लस में है उसको इनटू कर देना। आपने यही देखा सारा रिएक्शंस, बहुत आसान है, रटिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये तो है ही है, इनटू X H2O। ये एक तरीके से सीमेंट के पार्टिकल की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। अगर सीमेंट में बालू ना भी मिलाइए तब भी वो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, वो भी तब भी क्या होगा, सेट हो जाएगा। यहाँ पर जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3 कैल्शियम ऑक्साइड इंटू SiO2, इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। देखिए वाटर ऐड हो रहा है तो इसे कहेंगे हाइड्रेशन, वाटर का जुड़वा मतलब हाइड्रेशन। तो ये हो जाएगा 3 कैल्शियम ऑक्साइड इंटू O2 एंड 1H2O एंड 3 कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसके साथ बेटा 6H2O का यहाँ पर हाइड्रेशन होता है, क्योंकि पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा पूरा वाटर जितना लगेगा रिक्वायरमेंट है हाइड्रोलिसिस के लिए उतना मैंने यहाँ पर लिखा है। 3 कैल्शियम ऑक्साइड एंड Al2O3 एंड इंटू 6H2O, ठीक है। इसी तरीके से टेट्रा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो Al2O3 फेराइट Fe2O3 यहाँ पर भी 6H2O इसमें ऐड करेंगे, इसका भी हाइड्रेशन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3 इंटू 6H2O। देख लीजिए जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो प्लस में है, जितने वाटर प्लस में है उसको मैंने यहाँ पर इनटू मतलब ऐड कर दिया, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर एक कोलाइडियल जेल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा, कोलाइडियल जेल फॉर्म होगा, ठीक है। आप देखो सीमेंट में वाटर मिलाइए तो एक पेस्ट बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बनेगा। तो उसमें जो सीमेंट के पार्टिकल होते हैं वो कोलाइडियल पार्टिकल के रेंज में होते हैं, तो उस तरीके से वाटर मिक्स होने पर एक कोलाइडियल जेल जैसा बन जाएगा ये। अब इसके बाद जब ये वाटर जुड़ जाएंगे तो कुछ मिनटों बाद लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर इनका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में यहाँ पर एक होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ये होगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इनका होगा। तो इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट SiO2 इंटू H2O इसका बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ये बनेगा और प्लस डाई कैल्शियम सिलिकेट यहाँ फ्री हो जाएगा, जो कि सीमेंट के पार्टिकल की तरह वर्क करेगा, ठीक है, यानी सीमेंट के पार्टिकल जैसा होगा। अब देखो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी तरीके से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3 इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, इसीलिए इसमें 6H2 हमने ऐड किया हुआ है और ये बनाएगा 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस 2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म करेगा, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करेंगे, जो सीमेंट के पार्टिकल होंगे या सैंड पार्टिकल जो आपने बालू वगैरह मिलाया हुआ है या और स्टोन है, ईट है, उनके टुकड़े हैं, उनके पार्टिकल को ये जोड़ेगा। इनके पार्टिकल को जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे फेविक्विक की तरह आपने सभी को क्या किया, जोड़ दिया।
तो इस तरीके से सारे के सारे जितने भी सीमेंट के पार्टिकल होंगे, सैंड पार्टिकल होंगे, इनको जोड़ने का काम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करेगा। और जो इंटरस्टीशियल स्पेसेस यानी जो जो खाली जगह यहाँ बच गया है, इन सभी खाली जगह को फिलअप करने के लिए, इनकी रेंडरिंग करने के लिए क्या आएगा बेटा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अच्छी तरीके से इनके खाली जगह को ये क्या करेगा? फिलअप कर देगा, फिलअप कर देगा, जिससे सीमेंट कैसा हो जाएगा? इम्परवियस हो जाएगा। सीमेंट अच्छी तरीके से क्या होगा? जम जाएगा, सेट हो जाएगा। और जिस वजह से ये सीमेंट क्या होगा? क्या अमेग हो जाएगा, इम्परवियस, मतलब कोई आर पार इससे नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट का भी क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। इसका हाइड्रोलिसिस कुछ इस तरीके से होता है, 4 कैल्शियम ऑक्साइड इंटू Al2O3। रिएक्शन बहुत ईजी है, जो प्लस में है उसको N2 करके आपके राइट हैंड साइड लिख देना है। और यहाँ पर Fe2O3 इंटू 6S2, इनमें जो बनेगा ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट ही बनेगा, Al2O3 इंटू 6S2 एंड प्लस यहाँ पर कैल्शियम फेराइट जो होगा Fe2O3, ये क्या होगा बेटा? फ्री हो जाएगा। फिर ये देखो, ये ट्राई कैल्शियम एल्युमिनोफेरेट है, फर्दर इसका इसी तरीके से क्या होगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से सीमेंट यहाँ पर क्या होगा बेटा? सेट होगा। और याद रखिएगा, ये सभी प्रोसेस कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब यहाँ पे हीट, गर्मी क्या होगी? रिलीज होगी। इसीलिए आपको बार बार पानी देने की जरूरत होती है, यानी बार बार तराई करने की जरूरत होती है। अगर प्लास्टर हो गया तो आपको क्या करना पड़ता है? तराई करनी पड़ती है, थोड़ा सेट होने के बाद तराई करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? हीट निकलता है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर हम समझते हैं रोल ऑफ जिप्सम, क्यों मिलाया जिप्सम हमने, रोल ऑफ जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है बेटा? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। POP में क्या होगा बेटा? हाफ हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये हाफ वाटर हो जाएगा। अब ये जो जिप्सम हमने मिलाया है, ये जिप्सम फास्ट सेटिंग मटेरियल है। ये हमारे कैसे मटेरियल है बेटा? फास्ट सेटिंग मटेरियल, फास्ट सेटिंग मटेरियल है। ये इनके साथ क्या करेगा? कंबाइन कर जाएगा जिप्सम। और जब ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली इस ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट को रिलीज करेगा, फ्री करेगा, जिसकी वजह से इसका हाइड्रोलिसिस ये वाला क्या होगा? धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा, यानी कि स्लोली इसका क्या होगा बेटा? हाइड्रोलिसिस होगा। और जब स्लोली हाइड्रोलिसिस होगा तो सेटिंग प्रोसेस भी क्या होगा? थोड़ा धीरे धीरे होगा। और जब सेटिंग प्रोसेस धीरे धीरे होगा तो ऐसा जो सीमेंट हमारा सेट होगा, उसकी हार्डनेस होगी वो काफ़ी अच्छा होगा। तो क्या बनता है इसमें देखिए, ये ट्राई कैल्शियम Al2O3 ये ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट प्लस, हम इस रेशियो में लेंगे 3 कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। इस रेशियो में ये क्या होंगे? कंबाइन कर जाएंगे। बस जहां जहां प्लस है अगली तरफ क्या कर दीजिए? इनटू कर दीजिए Al2O3 इंटू 3 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ये बन जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम सल्फो एल्युमिनेट, एल्युमिनेट। अब इस कैल्शियम सल्फो एल्युमिनेट से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या होगा बेटा? धीरे धीरे क्या होगा? ये रिलीज होगा। जब ये धीरे धीरे रिलीज होंगे, स्लोली स्लोली क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो इनका हाइड्रोलिसिस भी क्या होगा? स्लोली स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा।
जिससे कि सेटिंग प्रोसेस क्या होगा, वो धीमा होगा, धीरे धीरे होगा। और जब सेटिंग धीरे धीरे होगा तो ऐसा जो हमारा सीमेंट जमने के बाद बनेगा, जो हार्डनेस होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो आई होप आपको इसका प्रोसेस समझ में आ गया। तो सेटिंग एंड हार्डनिंग में पोर्टलैंड सीमेंट में यहाँ 3 स्टेप मैंने कंप्लीट किया। हाइड्रेशन, वाटर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर हाइड्रोलिसिस, जो हमारा क्लोराइड जेल बना हुआ है, वाटर ऐड है, वो क्या होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा। डाइएट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो हाइड्रोलिसिस है बेटा क्या होगा, पार्सली होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट का नहीं होता, एज ए सीमेंट पार्टिकल की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जो कि यहाँ सीमेंट को सेट करने में करेंगे हेल्प करेंगे। और यहाँ जिप्सम क्यों मिलाते हैं, जिप्सम इसलिए मिलाते हैं कि यहाँ पर सीमेंट का जो सेटिंग है वो धीरे धीरे हो, मतलब कि धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो, रिलीज हो। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। एक दो बार और आप देख लीजिए इस वीडियो लेक्चर को, आपके सीमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत से सारी चीज़ें आपको बोल के समझाई हैं, तो आप अपने नोटबुक पर उसको भी लिख लिया करिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ प्रोसेस समझा दिया है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया सीमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करिए, पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, कमेंट करिए, हम मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और वीडियो लेक्चर को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों से भी करवाइए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ओके।